नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 400 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने कहा कि कोई पहिया है। अब पहिया कैसा होता है, पहिया वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो जो पहिया है वह 88 किलोमीटर की जब दूरी तय करता है तो वह 4000 चक्कर लगा लेता है। तो उन्होंने पूछा है कि जो पहिया है उसकी त्रिज्या आप हमें बता दीजिए, रेडियस बता दीजिए। ठीक है, ये प्रश्न वाले ने हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब हम पहले तो निकालेंगे कि जो पहिया है वह टोटल कितनी दूरी तय कर रहा है। पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी दी है प्रश्न वाले ने, प्रश्न वाले ने हमें दी है 88 किलोमीटर। ठीक है, हम इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, हम 1000 का गुणा करेंगे और हमारी ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जो दूरी है किलोमीटर में थी, सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट किया और यह कितनी है, यह 4000 चक्कर की चली गई दूरी है, यानी कि जो दूरी तय की गई है वह कितने चक्कर लगाए हैं, 4000। तो ये क्या कहलाएगी, 4000 चक्कर की दूरी। ठीक है, अब हमें 4000 चक्कर की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, एक चक्कर की, यानी इसकी परिधि जो होगी वह एक चक्कर में चली गई दूरी के बराबर होगा। क्योंकि हम अगर यहां से स्टार्ट करना शुरू करें और ऐसे घूम के ही आ जाएं तो यह इसका एक चक्कर हो जाएगा, और अगर हम इसको लॉजिकली रूप से देखें तो यह वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है, तो हमें इससे क्या निकालना है, एक चक्कर की दूरी निकालना है, एक चक्कर की दूरी। तो क्या करेंगे, जो 88000 है इसमें हम 4000 का भाग लगा देंगे, ये 3 जीरो काट देंगे, यहां से 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितनी निकल के आएगी, 22 मीटर। यानी कि जो आपको वृत्त दिख रहा है इस वृत्त की परिधि कहलाएगी 22 मीटर, क्योंकि एक चक्कर की दूरी किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के। अब वृत्त की परिधि जब त्रिज्या आर है, इसका सूत्र होता है 2πr बराबर 22। हमको सिर्फ त्रिज्या यहां चाहिए तो यहां 22 हो जाएगा, नीचे 2π हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 22/2, पाई की वैल्यू 22/7, तो बटे का 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, क्या बचेगा, 7/2 यहाँ से बचेगा, 2 का भाग लगाएंगे तो 3.5 मीटर। ठीक है, तो जो हमारा पहिया है या जो हमारा वृत्त है उसकी त्रिज्या निकल के आई 3.5 मीटर। ठीक है, कैसे निकली एक बार और देख लीजिए। उसने कहा था कि एक जो पहिया है टोटल दूरी तय करता है 88 किलोमीटर, तो हमने इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा आ गया 88000 मीटर। अब ये तो थी 4000 चक्कर में चली गई दूरी, हमें चाहिए एक चक्कर में चली गई दूरी। तो एक चक्कर की दूरी निकालेंगे तो हम 88000 में 4000 से भाग दे देंगे, तो एक चक्कर की दूरी निकल के आई 22 मीटर। अब हम यहां देखें अगर कि जो एक चक्कर की दूरी है वही तो वृत्त की परिधि है। ठीक है, तो हमने सूत्र लगा दिया वृत्त की परिधि का जो कि 22 मीटर थी, हमने यहाँ 2πr के बराबर 22 कर दिया और फिर सॉल्व कर दिया तो 3.5 मीटर इस वृत्त की त्रिज्या निकल के आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।